बात करेंगे मकर राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द रिवर्स कार्ड एंड द मून। तो खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है आप लोगों के लिए, थोड़ा सावधान हो जाइए। इस साल में मध्य में कहीं ना कहीं पे जा करके खर्चे बढ़ेंगे। पॉलिसी और फिक्स डिपॉजिट्स को नहीं तोड़ना है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे आने वाले समय में। कपड़े के व्यापारी जो हैं उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के इनको मौके ज़रूर मिलेंगे। सेप्टेम्बर के बाद पार्टनरशिप्स के ऑफर्स मिल सकते हैं। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है मकर राशि वालों की, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि अपने रिलेशनशिप्स के अंदर आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए कई बार मुश्किल का कारण बन जाती है। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते और खुद उम्मीदें रखते हैं, तो ये एट टाइम्स कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा क्वारल, बहुत ज़्यादा वाद विवाद की वजह जो बन जाती है। इस अपनी आदत को सुधार लीजिए, बाकी आपके लिए पूरा साल बहुत बढ़िया है। चलिए बात करेंगे अब कुंभ राशि। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड रिवर्स कार्ड एंड थ्री ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। 2019 में नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, देश विदेश में अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। पार्टनरशिप्स के लिए भी योग बन रहे हैं। स्टॉक और गोल्ड में निवेश करना इस अवधि में काफ़ी लाभकारी रहेगा। 2019 में भी मार्च से लेकर के अगस्त तक का समय गोल्ड में निवेश करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना अच्छा रहेगा। हालांकि आप लोग अपने माता पिता की सेहत को लेकर के थोड़ा सा नेग्लिजेंस बरतेंगे तो उसके मामले में भी आपको सतर्क रहना है। घर के छोटे बच्चे जो हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी गलतियां आपने पहले करी हैं 2018 में उन्हें आप रिपीट नहीं करेंगे। अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखे और तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि और कार्ड्स निकल रहे हैं। द डेथ कार्ड, द सन एंड टू ऑफ कप्स, तीनों ही रिवर्स कार्ड्स निकले हैं। व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पे मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। साल में कई नई योजनाएं बनेंगी लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाएंगे। दैट मीन्स प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। परिवार के किसी सदस्य से लोन लेना पड़ सकता है आप लोगों को। मार्च के बाद आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। फाइनेंस और प्रॉपर्टी दोनों में ही पैसा कमाने के मौके मिलेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं इस अवधि में। अगर आपने अभी तक कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचेंगे। आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स भी आगे और बन सकते हैं। मीन राशि वाले लोग जो हैं काफ़ी हद तक अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। इस साल में सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये सारी ही राशियों के लिए साल का जो आने वाला समय है ये रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से, एस्ट्रोलॉजी के तरीके से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए आने वाला समय कैसा है। लेकिन अपने कर्मों के अनुसार इंसान अपना भाग्य, अपना समय बना भी सकता है। तो इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए। और साल की शुरुआत हो चुकी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव सोचिए, रिस्पेक्ट कीजिए सबकी, और आपके लिए आने वाला समय बेहतर रहेगा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।